टाइम के ऊपर हम 51 गाबे के अंदर मौजूद है, जहाँ एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट के जो यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर्स और चीफ गेस्ट वो सब मौजूद है। इस टाइम के ऊपर हम जलवी साहब के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम जलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जलवी साहब जरा अपना पूरा तारुफ दे दीजिएगा और इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन जलवी, चेयरमैन पंजाब अमन कौंसिल। मैं ये इस टूर्नामेंट में चौधरी मुस्फ़ा अंसारी साहब का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्लामाबाद से उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला इधर आने के लिए, और फिर फादर परवेज साहब की जो भी ये एक्टिविटी है उनको सराहता हूँ। कहते हैं कि अगर आपके ग्राउंड आबाद हैं तो हस्पताल वीरान है। हस्पताल उसी सूरत में वीरान हो सकते हैं कि आप ये जो खेलों के प्रोग्राम हैं इनकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा आगे लाएँ, और ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है उनमें ये चीज़ भरपूर डाल दें कि आप लोग ग्राउंडों में जाएंगे तो सेहतमंद होंगे, घर बैठ के ये इंटरनेट मोबाइल और इन चीज़ों से कभी भी एक अच्छी नस्ल परवान नहीं चढ़ती। अच्छा, हमारे साथ प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब, नेशनल पी कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले से आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं द पीस टीवी इंटरनेशनल का मशहूर हूं कि वो आज यहां इस्लामाबाद से इस मैच की कवरेज के लिए, इस टूर्नामेंट की, डॉन बॉस्को टूर्नामेंट की कवरेज के लिए आए। मैं इसकी इंतज़ामिया को, कैमरा मैन को और तमाम जो इसकी टीम है उनको उनके खराज तहसीन पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आज के टूर्नामेंट के हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि आज ये जो टूर्नामेंट है डॉन बॉस्को टूर्नामेंट, जिसको पास्टर फादर परवेज़ अमानत ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर भी हैं और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो रफाही काम है डॉन के हवाले से, बॉस्को के हवाले से ये कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, और ये नौजवानों को ग्राउंड की तरफ जो लेके आ रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में इवेंट करते हैं। आज जो सबसे खूबसूरत बात है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ टीमें जो आई हुई हैं, फैसलाबाद के इस गांव में, खुशपुर गांव में जो फादर का गांव है, और बताता चलूँ कि हमारे देरैना साथी शहबाज भट्टी का भी ये गांव है खुशपुर, जो समुंदरी के करीब है। आज जब मैं इस्लामाबाद में था, मुझे इफ्तिखार जलवी साहब, चेयरमैन पंजाब नेशनल पीस कौंसिल, बताया, तो मैं स्पेशली इनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, चूँकि मेरे पुराने दोस्त हैं, उनका गाँव भी देख लूँगा। तो एक तो ये बड़ी खूबसूरत, दूसरा इंटरफेथ हारमनी का जो इन्होंने यहाँ बीज बोया है, जो पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, वो मैं समझता हूँ कि पीस के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट है कि इन्होंने ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुसलमानों को और सिखों को इस प्लेटफॉर्म पे, नौजवानों को, प्लेयर्स को इकट्ठा किया है, वो जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जा सके वो कम है कि इंटरफेथ हारमनी के फ़रोग में, जो कि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत थी, वो फादर अमानत ने ये सरंजाम दिया, परवेज़ अमानत ने। एक बार फिर मैं मशकूर हूँ उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ग्राउंड आबाद की है, और खुसूसन इंटरफेथ हारमनी पे जो काम किया जा रहा है उसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जनाब आज के मेहमान इफ्तिखार जलवी साहब का भी और खसाना साहब का, इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर पीस टीवी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।